हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी क्लास का डे 26 है और ये हमारी ब्राइडल सीरीज़ चल रही है। तो ब्राइडल सीरीज़ का ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको शहनाई बनाना सिखाऊंगी। ब्राइडल सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको तबला बनाना सिखाया था और आज मैं आपको शहनाई बनाना सिखाऊंगी। इसके जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं सोच रही हूँ कि फ़र्स्ट और सेकंड पार्ट को मिक्स करूँ कि आप तबला और शहनाई को कैसे एक दूसरे के साथ जॉइंट कर सकते हो, कैसे एक दूसरे के साथ मैं उनको मिक्स करके आप बना सकते हो मेहंदी डिज़ाइंस में। तो इस चीज़ पर मैं पार्ट 3 बनाऊँगी। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, मैंने 3 तरीके के शहनाई इसमें बताए हैं, बहुत ईजी तरीके से आप सीख लेंगे। चलिए डिले ना करते हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शहनाई बनाएंगे हम और उसके लिए पहले हमें कर्व बनाना होगा। तो हम बाहर की तरफ एक कर्व बनाएंगे और बाद में उसको थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर से बाहर की तरफ बना देंगे। अब कर्व लाइन जो होती है नॉर्मल, उसकी तरह ही बनाएंगे। उसके बाद उसके अंदर से एक और कर्व बनाएंगे और जो नीचे थोड़ा पतला होगा और ऊपर थोड़ा सा मोटा होता चला जाएगा, उसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। और फिर उन दोनों ही जॉइंट जो लाइंस होंगे, दोनों कर्व्स को हम एक और कर्व की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में कि किस तरीके से शहनाई होती है, और इमेजिन करके ही हम लोग भी बनाते हैं। जैसी चीज़ें होती हैं उसको इमेजिन करके, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। और उसको थोड़ा सा हॉलो दिखाने के लिए हम इस तरीके से एक छोटा सा कर्व लेंगे और इसको हम पूरा डार्क फिल कर देंगे, जिससे कि ऐसा लगेगा जैसे कि ये हॉलो है अंदर से, इसके आप देख सकते हो। देन इसमें हम करेंगे अपनी कलाकारी। तो जैसे ही हम फिल करते हैं डिज़ाइंस वगैरह, तो शहनाई वही रहेगी, मैं आपको फीलिंग अलग तरीके की बताऊंगी। तो आप देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ इसको। और गाइस, मैं एक स्पेशल क्लास बनाने का सोच रही हूँ आप लोगों के, जिसमें आप लोग जो मुझे क्वेरीज़ पूछते हो ना, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं कि मैम मेहंदी लगाते टाइम हाथ हिलता है, जब अपने मेहंदी लगाते हैं तो अच्छे से लग जाती है, बट दूसरे के लगाते हैं तो हाथ बहुत शेक करता है, हाथ कांपता है, तो ऐसे ही आपके कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस पर भी मैं एक अलग से स्पेशल क्लास वीडियो बना दूँ, जो आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी, और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी उसके लिए। आप मुझे आपके क्वेश्चंस उस पोस्ट पे छोड़ सकते हो, तो उस पोस्ट पे आप अपने क्वेश्चंस मुझे डाल देना, मैं उन क्वेश्चंस को लेके एक वीडियो बना दूँगी सेपरेट, जिसमें आपके सारे ही सवालों के जवाब मैं दे दूँगी आपको कि अगर आपका हाथ हिलता है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे। और गाइस, मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, मैं आपके मैसेजेस के रेगुलर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि गाइस आपको मैं बताऊँ, अगर शायद आपको नहीं पता होगा, बट मुझे पर डे के कम से कम 500 लोगों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर होमवर्क चेक कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ होमवर्क चेक कराने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा कि पर डे 500 मैसेजेस को मैं देखूं और रिप्लाई कर सकूं। तो इसलिए टाइम लग जाता है मुझे मैसेजेस को करने में, रीड करने में, धीमे धीमे मैसेजेस रीड करती हूँ फिर आपको रिप्लाई करती हूँ। आप सोचिए, आपके किसी दिन 500 मैसेज आ रहे हैं, मुझे किसी दिन 400 आ रहे हैं, किसी दिन 200 आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब आज के मैं 500 के सोचिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो कल फिर से 500 हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं इतने सारे लोगों के रिप्लाई
नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत कीजिए, थोड़ा सा आप समझिए उस चीज़ को। बट जैसे ही मैं आपके मैसेजेस देखूँगी, मैसेज अगर आपका ओपन होगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप लोग उस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए और आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। तो इसलिए बस यही रीज़न है कि आपके जो मैसेजेस हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद चैनल पे कमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं और मैं अकेली काम करने वाली तो गाइस अकेले इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे लोगों को करना। बट जब भी मैं ओपन करती हूँ तो जैसे ही जितने लोगों का एक बार में ओपन हो जाता है मैं उनको सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा सा मुझे इस चीज़ में थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जब भी मैं आपके मैसेजेस ओपन करूँगी तो रिप्लाई सबको मिलेगा। और गाइस जो मैं स्पेशल क्लासेस करूँगी स्टार्ट, उसके लिए अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्पेशल क्लास के लिए अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, या किसी टॉपिक पे आप, या किसी पर्टिकुलर किसी मेहंदी डिज़ाइन पे आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल क्लास करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो वो सब भी आप मुझे, मैं एक पोस्ट डालूँगी इंस्टाग्राम पे, उस पर आप मुझे बताइएगा। क्योंकि कमेंट करके आप बताएंगे तो कमेंट्स भी मैं डेली के रीड नहीं कर पा रही हूँ, और इंस्टाग्राम पर जो आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं वो भी मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ। आप मुझे इंस्टा पे जो मैं पोस्ट डालूँगी ना, अपने सवाल आप मुझसे पूछिए, उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन होगा। तो स्पेशल क्लास के लिए उसमें आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारी शहनाई बनती है। देखा आप लोगों ने कितनी आसान होती है, बातों ही बातों में शहनाई भी बन गई और पता भी नहीं चला। तो बहुत आसान होती है और मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप लोगों को अब इतना आप लोग सीख चुके हो कि कर्व भी आप आसानी से बना लोगे और फीलिंग भी आसानी से कर लोगे। क्योंकि मैं जितने भी लोगों का होमवर्क अभी तक चेक किया है तो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं होमवर्क, और मुझे अच्छा लगता है। और आप में से कुछ लोग तो बहुत ही, मतलब इतना ब्यूटीफुली होमवर्क करके आप मुझे चेक करा रहे हो, इतना ब्यूटीफुली आपका काम होता है ना। थोड़ा बहुत जो कमी है वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, मैं इसलिए उसको ऐसा कुछ वो नहीं करती हूँ।
क्योंकि वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। मुझे भी पता है कि इतनी जल्दी एकदम से परफेक्ट नहीं बनता इंसान, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाता है। बट जैसे आप सीख रहे हो उस हिसाब से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो गाइस, बहुत अच्छा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे सीरियसली, तो मैं बहुत खुश हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स को पाके। और गाइज मेरा एक और चैनल है, आप उस पर भी एक बार विज़िट कीजिए, स्पार्क ब्यूटी फ्लाई। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।